हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आप अपने सेंड किए हुए सारे के सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक साथ कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। इस ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप के बिना आप इसको नहीं कंप्लीट कर सकते। लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप में गूगल क्रोम या कोई भी क्रोमियम सपोर्टेबल ब्राउज़र होना चाहिए। गूगल क्रोम चलेगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको अपना इंस्टा आईडी ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस पाथ पर जाना है, सेटिंग में यहाँ पे क्लिक करने का, बाद में प्राइवेसी और सिक्योरिटी में, वहाँ पे अकाउंट डेटा होगा, यहाँ पे रहा, उस पर क्लिक करने का। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं करंट फॉलो रिक्वेस्ट, वो भी ऐसे ओपन हो जाएंगी। ये सारी रिक्वेस्ट है जो आपने सेंड की है किसी को और सामने वाले पर्सन ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। देखते हैं तो एक एक रिक्वेस्ट को कैंसिल कैसे करें। इस तरह से सर्च करने का, सर्च करने के बाद आप उसको रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं। अगर तीन चार रिक्वेस्ट है तो आप ऐसे भी अनफॉलो कर सकते हैं, फॉलो रिक्वेस्ट ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन तीन चार रिक्वेस्ट हो तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। देखो इसमें कितनी देर लगती है, आप भी देख सकते हैं। इस तरह से एक एक आईडी ओपन करने की और बाद में कैंसिल करने की, सो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब मैं ट्रिक बताता हूँ। वो दोनों आईडी यहाँ से चली गई, इस तरह से होता है। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप एक साथ सारे के सारे रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हैं। मैं एक कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये साइट ओपन करने की आपको ज़रूरत नहीं। एक कोड को कॉपी करने की, उस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे F12 और या आप दूसरी तरह के भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे होगा इंस्पेक्ट और F12, दोनों से ओपन होगा। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे कंसोल पे जाना है आपको। कंसोल पे वो कोड आपको पेस्ट कर देना है। वो कोड पेस्ट करके एंटर जैसे आप दबाएंगे, उससे क्या होगा, सारे के सारे टैब ओपन हो जाएंगे। एक बात और फ्रेंड, पहली बार जब आप एक कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसी एरर आएगी। पहली बार जब एक कोड एग्जीक्यूट करेंगे ब्राउजर में ऐसी एरर आएगी और एक टैब ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अलाउ ऑल पॉप्स एंड रिडायरेक्ट फ्रॉम इंस्टा, इसको सिलेक्ट करने, सेलेक्ट करने के बाद डन क्लिक करें, ये हो गया। अब आप इस तरह से इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, सारे टैब ओपन हो जाएंगे। पहले रीलोड करना पड़ेगा, एक बार ये हो गया, इसको रीलोड करना। रीलोड करने के बाद आप जब एग्जीक्यूट करेंगे सारे टैब ऐसे ओपन हो जाएंगे। देखो मैं एंटर दबाता हूँ, वो सारे के सारे आईडी के टैब अब ओपन हो गए, एक एक ओपन नहीं करना पड़ा। वेट करना है सारे के सारे पेज लोड हो जाए तो। यहाँ पे देखो सब में रिक्वेस्ट लिखा आता है। अब मैं दूसरा कोड देता हूँ आपको, दूसरा कोड भी मैं कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आपको इस साइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इस तरह से दूसरा कोड पेस्ट करना और उसको भी एंटर कर देना। यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आएगा और वर्क डन हो जाएगा। आप देख सकते हैं सभी में रिक्वेस्ट लिखा आता था, अब फॉलो लिखा हुआ आ रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए। अब आप देख सकते हैं
सारे के सारे आईडी नए आ गए, वो पुराना आईडी सारे अनसब्सक्राइब हो गए। तो यही था फ्रेंड, ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत काम लगेगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। यदि आपको ये वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही यूजफुल एप्लीकेशन के वीडियो रोज़ाना देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए।